नमस्कार दर्शकों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पालमपुर गन हाउस में मैं आपका दोस्त अभिनव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हम आप लोगों के लिए डबल बैरल हैमर्ड गन का एक इम्पोर्टेड वेपन्स का एक रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक इसको जरूर देखिए। तो आज जो मैं वेपन्स की बात करने जा रहा हूँ वो डबल बैरल साइड बाई साइड हैमर्ड गन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप में से कुछ लोग अवेयर होंगे, डबल बैरल हैमर्ड जितनी भी गन आती हैं इंडिया में वो इम्पोर्टेड रहती हैं और पुरानी रहती हैं। तो दर्शकों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी हमारे पास कि इम्पोर्टेड में आप ऑल ओरिजिनल गन हमें दिखाइए जिसपे किसी तरह का ब्राउनिंग ब्लूइंग या कोई स्ट्रोक के साथ छेड़छाड़ ना की गई हो। तो इसी सीरीज में आज हम आपको तीन गन्स ऐसी दिखाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है और इनका जो स्टॉक है वो भी ओरिजिनल है, स्टॉक पॉलिश इवन ओरिजिनल है, जो बैरल कंडीशन है वो भी ओरिजिनल है, इसके साथ साथ जो इन पे कलर है वो भी इनका ओरिजिनल है। साथ ही साथ आज हम आपको इन तीनों गन्स के रिव्यू के साथ साथ हम एक तीन टूल्स साथ में दिखाने जा रहे हैं जिनकी मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये कैलिपर है जिसमें हम आपको दिखाएंगे, बर्नियर भी इसको बोलते हैं, इसमें हम आपको इनकी चोक दिखाएंगे, क्या चोक रहती है, कितने माइक्रोन कितने एमएम में रहती है। मेजरिंग टेप भी हम साथ में रखी है, आज हमने आपको बैरल लेंथ दिखाएंगे टोटल कितनी बैरल लेंथ है, साथ ही साथ वेजिंग स्केल भी दिखाएंगे किस बंदूक का किस वेपन का कितना वेट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ डबल बैरल इम्पोर्टेड साइड बाई साइड मेड इन इंग्लैंड। जो मेरे हाथ में आप गन देख रहे हैं ये 32 इंचेस बैरल लेंथ में है और ऑल ओरिजिनल कंडीशन में ये गन है। और गन की मैं अगर कंपनी की बात करूं तो आप यहां पे कंपनी इसकी पढ़ सकते हैं, ये वाटरलॉक एंड कंपनी की गन है जो कि मेड इन इंग्लैंड है। इस पे इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूंगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा तो मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वाटरलॉक एंड कंपनी जो इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग गन है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर कलकत्ता दिल्ली एंड लाहौर लिखा रहेगा। कलकत्ता दिल्ली और लाहौर इनकी एजेंसीज रहती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, ये गन इन एजेंसीज के थ्रू यहाँ पे मिल जाती थी। बाकी डिटेल वीडियो इसका हैमरलेस का हम वेरी सून इस चैनल पे लेके आएंगे। आज मैं हैमर्ड के साथ हूँ तो हैमर्ड दिखाता हूँ आपको। ये इसकी बैरल कंडीशन मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, किसी तरह की कोई बफिंग इसमें नहीं हुई है और बैरल कंडीशन आप देखिए काफ़ी ज़्यादा मिंट कंडीशन में। हैमर्ड गन्स काफ़ी लोगों की पर्सनल फेवरेट रहती हैं तो मेरी भी ये फेवरेट गन्स है। इसमें ज़्यादातर आप हैमर्ड गन इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि ये हैमर्ड से इनका हैमर्ड के साथ इनका फायरिंग रहता है। आप हैमर को पुल करते हैं पीछे, ये लॉक हो गया, फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर आप फायर करते हैं और ये सिलेक्टिव रहता है। जैसे ये आपका लेफ्ट साइड हैमर है, ये राइट साइड हैमर है, दोनों बैरल्स के लिए आप देखिए दोनों तरफ हैमर्स हैं, यहाँ से आप इनको फायर कर सकते हैं राइट साइड, दिस वन इज फॉर लेफ्ट साइड। सिमिलर हैमरलेस गन की तरह ही है बट हैमरलेस गन में सारा मैकेनिज्म इनसाइड रहता है तो इसमें इसलिए ये डिफरेंशिएट रहती है, थोड़ी सी हैमर है तो बाहर रहता है। बट इसका हैमर आप देखिए, हैमर बहुत अच्छे हैं इनके, एनग्रेव्ड हैमर है, जो हैमर है देखिए ऑल ओरिजिनल है और कितने प्यारे हैमर है। दूसरी भी गन्स दिखाऊंगा, हर गन का हैमर का डिज़ाइन कंपनी का डिज़ाइन डिफरेंट रहेगा। बाकी इस गन में ये 32 इंचेस है, मैं आपको मेजरिंग टेप के साथ इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में आप इसकी जो रिब है उसके ऊपर लर्निंग आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लर्निंग है, बंदूक बहुत शानदार है। बाकी स्टॉक इसका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कंडीशन में, कोई पेंट पॉलिश किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है इस पर। आप देखिए स्टॉक बहुत स्लिम रहते हैं इंपोर्टेड गन्स के, जैसे कि हम अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुके हैं ये बहुत स्लिम स्टॉक रहते हैं। स्टॉक वॉलनट का है, वॉलनट के साथ साथ इस पर चेकरिंग की गई है स्टॉक पे, यहाँ पे ये चेकरिंग है, ये ट्रिगर के ऊपर गार्ड जो है वो भी ओरिजिनल पॉलिश में है इसका। ये ब्राउनिंग इसका ऑलमोस्ट 20-25% रह चुका है, बाकी ये रिमूव हो चुका है बट किया नहीं गया है, लाइसेंसी द्वारा कहीं करवाया नहीं गया है, तो कंडीशन में बहुत शानदार और लाजवाब है। हैंड गार्ड इसका यहाँ पे भी चेकरिंग है, विद द हेल्प ऑफ क्लिप आप इसको ओपन कर सकते हैं। बाकी मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये ओपन होगा, थोड़ा सा टाइट है, ये हैंड गार्ड निकाल के आप विद द हेल्प ऑफ लीवर आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं, ये डिसमेंटल होगी। यहाँ पे आप देखिए इसका चैम्बर जो है, चैम्बर के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं भैया कितना इंच चैम्बर है, तो इसका चैम्बर 3 इंच का है जो कि यहाँ पे लिखा रहेगा। स्टैम्प्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज ओरिजिनल, काफ़ी शानदार बंदूक है। यहाँ पे भी इसका एक नंबर रहता है गन का, नंबर इंपोर्टेड गन्स के हर पार्ट पे रहते हैं।
ये क्रॉस बोल्ट है, ये जो है इसका पिन निकल रहा है, इसको क्रॉस बोल्ट बोलते हैं। तो मैं इसको फिक्स करके आपको भी दिखाता हूँ। इजी टू फिक्स है, आप इसको आराम से इजी फिक्स कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसके टेक्निकल पार्ट पे। ओवरऑल बैरल लेंथ जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब दिखाता हूँ आपको ओवरऑल इसकी बैरल लेंथ विद द हेल्प ऑफ टेप। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रॉम मजन यहाँ से, ये देखिए ऑलमोस्ट 32 इंचेस बैरल लेंथ है इसका। बैरल लेंथ के साथ साथ काफ़ी लोग ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं कि भैया चौक है नहीं है, तो आप डिसाइड करिएगा आपके हिसाब से चौक कौन सी गन रहती है और कौन सी सिलेंडर हाफ चौक रहती है। दिखाइए कैलिपर की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी राइट साइड को आपको दिखाऊंगा। ज़्यादातर इंपोर्टर गन्स हाफ चौक देती हैं, कुछ एक कंपनीज है जो दोनों बैलेंस चौक देती हैं, तो ऑलमोस्ट इसमें वैसे ही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी राइट साइड का कैलिपर पे, आप देख पा रहे होंगे ये 692 आ रहा है। अब मैं लेफ्ट साइड दिखाता हूँ, थोड़ा उल्टा दिखेगा, ये ऑलमोस्ट बराबर है 697 एंड दिस इज ऑल्सो 690 700। 1921 का फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत कैलिपर भी इसमें रोल प्ले करेगा, शायद उल्टा सीधा हो सकता है मेरे से। तो ये रही वाटरलॉक कंपनी की गन हैमर्ड में। इसके बाद मैं आता हूँ आपको इसका वेट करके भी दिखा देता हूँ कितना वेट है। आज हमने सारे ही टूल्स रखे हैं कि देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डबल बैरल गन का वेट जो आ रहा है 3 kg 452, ऑलमोस्ट ये 3.5 kg का वजन है इसका। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, स्लिम ग्रिप के साथ, ओरिजिनल स्टॉक बट प्लेट ईच एंड एवरीथिंग इज ओरिजिनल, तो गन ओरिजिनल कंडीशन में ऐसी ही होती है। तो इसके बाद आता हूँ मैं दूसरी गन पे। ये हमारे पास 30 इंचेस में है। इस गन पे मैंने जब इसको हमने स्टॉक में लिया था तो इसमें बहुत एक खास चीज़ पे लिखी गई थी, आप हिस्ट्री इसकी गूगल भी कर सकते हैं। मैं कैमरामैन भैया को बुलाऊंगा, ज़रा नज़दीक आए। यहाँ पे इसकी रिप पे देखिए, रिप पे लिखा हुआ है द फार्मर्स गन। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, यहाँ देखिए फार्मर्स गन, द फार्मर्स गन। ये मेड इन इंग्लैंड है, बर्मिंघम की ये गन है और ये 30 इंचेस में है, 30 इंचेस बैरल लेंथ है इसकी, और साथ ही साथ ऑल ओरिजिनल स्टॉक। स्टॉक की कंडीशन आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है, किसी तरह का पॉलिश नहीं किया गया है। ये देखिए स्टॉक काफ़ी शानदार कंडीशन में है, प्लस वैसे ही चेकरिंग इस पर भी किया गया है, ये काफ़ी अच्छा ग्रिप देता है। बाकी हमारी इंडियन गन्स का कंपैरिजन हम करें, वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है कोई भी, बट जो इनके स्टॉक रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम रहते हैं, इजी टू होल्ड, मतलब आप इजीली इसको अपने शोल्डर से ग्रिप कर सकते हैं। साथ ही ये हैमर्ड गन है, तो इसके हैमर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इस गन पे भी किसी तरह का ब्राउनिंग ग्लूइंग कुछ नहीं हुआ है, ऑल ओरिजिनल कंडीशन में है। हैमर का डिज़ाइन हर गन का डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे मैंने आपको वाटर लॉक का दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, और इसकी लर्निंग भी बहुत अच्छी है रिप की, आप देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत प्यारा है, लर्निंग। और फोर हैंड गार्ड इसका जो है वो भी ऑल ओरिजिनल है, तो कोई छेड़छाड़ इस पर की नहीं गई है। बाकी ये 2.75 इंच चैम्बर में गन है, और इनसाइड बैरल्स का लुक भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए बैरल कंडीशन भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी लाइसेंसी द्वारा रखी गई है। देखिए बैरल कंडीशन टोटली डिपेंड करता है एमिनेशन, काइंड ऑफ एमिनेशन व्हाट यू आर फायरिंग उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस लाइसेंसी करते हैं। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो ये सभी 60 से 70 साल पुरानी गन्स है, बट बहुत ज़्यादा एक्सलेंट कंडीशन में इनको रखा गया है, और जो वर्कमैनशिप है वो तो आप सभी जानते हैं जो इम्पोर्टेड वेपन्स पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये गन्स रहती हैं। इसके साथ अब इसका वज़न करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो वज़न निकल के आ रहा है ये 30 इंचेस है, जो हमने प्रीवियस वाली की थी वो 32 थी, तो थोड़ा बहुत वज़न में फ़र्क रहेगा 32 और 30 इंच में। उसके बाद मैं बैरल लेंथ पे भी इसको आपको करके दिखा देता हूँ। अभी बैरल लेंथ भी इसका 30 इंचेस है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे हाथ से स्टार्टिंग और एंडिंग 30 इंचेस है इसकी, चैम्बर टू मजल 30 इंचेस है। अब हम कैलिपर पे इसका चौक हाफ चौक दिखा देते हैं आपको, थोड़ा बहुत कैलिपर हो सकता है हिल रहा हो, तो ये देखिए। सबसे पहले राइट साइड करता हूँ मैं, आप यहाँ से थिकनेस से पता लगा सकते हैं, वैसे ये आपको कम मोटाई में लगेगी, ये ज़्यादा मोटी है, तो डेफिनेटली दिस साइड इज़ चौक एंड दिस साइड इज़ हाफ चौक। तो कैलिपर पे मैं आपको दिखाता हूँ, माइक्रोन में दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो ये लीजिए 717 राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज़ 680, तो एब्सोल्युटली
द लेफ्ट साइड इज चौक और राइट साइड जो हमारी हाफ चौक है, और कुछ सिलेंडर भी बोल सकते हैं इसको, बट सिलेंडर मैं काउंट नहीं करूँगा, हाफ चौक ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक वगैरह सब कुछ ऑल ओरिजिनल है। इसके बाद मेरी पर्सनल फेवरेट ये जो गन है मिडलैंड गन कंपनी की है। इस गन की खासियत मुझे ये लगी कि इसका 80-90% रनिंग ऑल ओरिजिनल है, लाइसेंसी ने बहुत ही कम इसको यूज़ किया है, और जब हमने इसको स्टॉक में लिया था तो ये बहुत ज़्यादा मिंट कंडीशन में आई थी, पहली नज़र में देखते पसंद आ गई थी। ये वैसी गन है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिडलैंड गन कंपनी की गन है। ये देखिए कंपनी की बैजिंग और मैन्युफैक्चरर नेम, रिब, इसके रिब पे किसी तरह की लर्निंग नहीं है, प्लेन रिब है। हैमर्स पे भी हल्का हल्का इंग्रेविंग है, यहाँ दिखाता हूँ आपको, हल्की हल्की इंग्रेविंग हैमर्स पे। क्रॉस बोल्ट नहीं है, तो जब आप इसको खोले, नहीं क्रॉस बोल्ट है, ये क्रॉस बोल्ट के साथ ही है, सॉरी क्रॉस बोल्ट रहता है, इसका पिन रहता है, जब आप लीवर को खोलते हैं तो ये बाहर निकलता है, बैरल को लॉक करता है। और आप इसकी जो ट्रिगर गार्ड है उस पर भी देखिए एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, हर कंपनी का अपना अपना पेटेंट और डिज़ाइनिंग रहती थी उस समय भी, आज के टाइम में भी है। जो ये साइड लॉक्स हैं इसके, जिनको चांप बोलते हैं, आप इन पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी एनग्रेविंग है, बॉडी पे भी एनग्रेविंग है, और यहाँ हैमर्स पे भी, हर जगह डिज़ाइन कंपनी ने बनाया हुआ है ये। और स्टॉक इसका देखिए बहुत ज़्यादा स्लिम है, चेकरिंग एज इट इज़, जैसा कि इम्पोर्टेड गन्स और इंडियन गन एज वेल रहता है, चेकरिंग देखिए और ग्रिप देखिए, मेरा हाथ यहाँ पे निकल के आ रहा है, मतलब इतना फाइन ग्रिप है इसका। ग्रिप अगर पतला हो तो ये मतलब बहुत अच्छा आपको हाथ में आती है और इजी टू अलाइन होती है। और हैंडगार्ड भी देख सकते हैं आप, इसका ओरिजिनल कंडीशन में है, ब्रॉनिंग बहुत अच्छा है, कंडीशन में है, ओपनिंग आपको पता ही है, ये भी 3.5 इंच के चैम्बर में है, तो मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो साथ के साथ अभी हम इसका वजन करके आपको दिखाते हैं और बैरल लेंथ इसकी दिखाते हैं। तो सबसे पहले वजन करता हूँ, आप ये वजन देखिए 3 किलो 126 ग्राम है। और इसके साथ साथ इसकी बैरल लेंथ की मैं अगर बात करूं, ये बैरल लेंथ भी आपको भी दिखाता हूं मैं, ये देखिए बैरल लेंथ, ये 32 इंचेस बैरल लेंथ है, ये देखिए 32 इंचेस पूरी। और ये जो गन है इसका बैरल कंडीशन बहुत ज़्यादा शानदार है, यहाँ से आप इसका बैरल कंडीशन का आइडिया लगा सकते हैं, दोनों बैरल्स बहुत ज़्यादा मिंट कंडीशन में है। इवन हम लोगों ने अभी तक इस पर क्लीनिंग रॉड भी यूज़ नहीं किया। अब आती है बारी कैलिपर पे, पर कैलिपर से पहले मैं आपको इसका बैरल दिखा देता हूँ। आप बैरल देखिए, यहाँ से इजीली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज़ हाफ चॉक एंड विच वन इज़ चॉक, तो बैरल की थिकनेस से ही पता चल जाता है वैसे, बट क्या करें, अब कैलिपर हाथ में है तो यहाँ से मेजरमेंट करेंगे जरूर। यहाँ देखिए दिस इज द राइट वन, ये एमएम में दिखा रहा है 17.20, ये देखिए ये चोक है। तो कैलिपर को हमने आज इसलिए इंक्लूड किया था अपनी वीडियो में, काफी लोग हमारे से पूछ रहे थे कि चोक कौन सी है, हाफ चोक कौन सी है, अभी हमने कैलिपर से मेजरमेंट कर दी, 19-21 का फर्क थोड़ा बहुत रह सकता है, क्योंकि हाथ से कर रहा हूँ मैं भी तो हिल सकता है, बैरल शायद टेढ़ा हो सकता है, उससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बाकी जितना हमारा एफर्ट रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए हमने दिया है, और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हैं, काफ़ी प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए। आपसे मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप जरूर बताइएगा। वैसे ये हैमेट वाला टॉपिक हमने किसी भाई साहब के कमेंट पे ही उठाया था, और आज हमने आपको वीडियो बना के उसका दिखाने की कोशिश की है। स्टॉक होता है तो कुछ ही गन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, लेंथी बन जाता है, तो आज हमने जो ओरिजिनल स्टॉक में जो गन्स थी, जो ओरिजिनल कंडीशन में थी, वो आपको दिखाई हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी गन्स हैं जिनको हम रिव्यू करेंगे आने वाले सीरीज़ में। इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।